दलिया रेसिपी बनाने के लिए हम गैस पर कुकर रखेंगे एंड हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी दलिया लिया है, एक कटोरी से थोड़ा कम दलिया मैंने लिया है, बारीक वाला दलिया मैंने यूज़ किया है। इसका जो टेक्सचर है वो राइस की तरह है। तेल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरे को अच्छे से हम चटकने देंगे। मुझे थोड़ा जीरा ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा सा जीरा और डाल लूँगी एंड जीरे को थोड़ा हम भूनने देंगे। कैसे जीरा चटक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा दलिया और अब अच्छे से हम इसमें करछी घुमा घुमा के सिम आंच पर हम दलिये को इसमें भूनेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे दलिये में हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा वाइट आना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब हमारा जो दलिया है वो भूनना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे हम सिम आंच पर मिनिमम 3 से 4 मिनट हम लोगों को लगेगा, हम दलिये को अच्छे तरीके से भून लेंगे। उसके बाद में हम दलिये के अंदर जो क्वांटिटी हमने लिया उसका हम डबल पानी डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, इसके बाद में अपने स्वादानुसार, और इसे हम मिक्स करके पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे एंड हम लोग इसके बाद में कुकर का अपना लिड लगाएंगे। और हम 2 सीटी इसको आने देंगे। 2 सीटी आने के बाद में हमने कुकर खोला है। आप देखिए दलिया कितना अच्छा बना है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बारीक वाले राइस रहते हैं ना, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, वैसे ये दलिया बना है। आप एक बार ज़रूर इसे बना के देखिएगा, आपका जो चावल का क्रेविंग है ना, वो चावल का क्रेविंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।